प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव जीतने के लिए मिठाई खिलाई गई, उनको बधाई दी गई। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिठाई खिलाई गई। आप देख सकते हैं लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। उनको माला पहनाई जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है और उनको मिठाई खिलाई जा रही है, उनको बधाई दी जा रही है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, खुशी आप चेहरे पर देख सकते हैं। हालांकि ये जीत तय थी, जो आंकड़ा था वो बीजेपी के पास था, लेकिन फिर भी जीत जीत होती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा जुड़ गए हैं। संजय, हम खुशी सबके चेहरों पर देख सकते हैं। लगभग 2019 की अगर हम बात करें तो ये इसके जश्न जो है वो आज से ही मनाते हुए दिख रहे हैं हमें बीजेपी के नेता। बिल्कुल शोभना, अगर आप आज के फोटो अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको 2019 की तस्वीर साफ नजर आएगी। 2019 की तैयारियां किस तरीके से बीजेपी करने जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया बीजेपी संसदीय दल की बैठक में। अविश्वास प्रस्ताव के बाद में पहली बीजेपी संसदीय दल की बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। सभी वरिष्ठ नेता, लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार पहनाया, अमित शाह ने मिठाई खिलाई। तो एक तरह से जश्न की शुरुआत हो चुकी है बीजेपी की। शानदार सत्र है बीजेपी के लिए ये, जिसमें की अविश्वास प्रस्ताव ला करके विपक्ष ने जिस तरीके से गलती की, या हम ये कहें कि बीजेपी को शानदार जीत का मौका दिया, उसके बाद से बीजेपी की विजय यात्रा शुरू होने वाली है। क्योंकि अब लगातार चुनाव का समय शुरू होने वाला है, लगातार विधानसभा चुनाव और उसके बाद सीधे सीधे 2019 के लोकसभा चुनाव। जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव का ये जश्न चल रहा है, लेकिन 2019 से भी इसको जोड़ा जा सकता है। बीजेपी पूरी ताकत अपनी झोंकने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको